हाँ जी फ्रेंड्स, तो है हम लोग घर से निकल गए हैं और थोड़ा सा हमें काम था तो हम थोड़ा सा रुके हुए थे और अब हम जा रहे हैं मंदी खाने के लिए और उसके बाद फिर हम जाएंगे अपनी नंद के घर जहाँ पर है शादी की तैयारियां हो रही है, शॉपिंग्स हो रही है, जिनके घर हम नहीं गए थे डेट फिक्स पे। आज हम फाइनली उनके घर जा रहे हैं। बहुत मुश्किल से, क्योंकि आज भी नंद वो आज भी सास जो है वो गई हुई थी नंद के घर पर, वो अभी आई है तो फिर हम जा रहे हैं वहाँ पर। तो जो है चले मिलते हैं आप लोगों से मंदी खाते हुए और मंदी खाने जाते हैं तो वहाँ पे मिलते हैं आप लोग। हाँ जी फ्रेंड्स, तो हम लोग आए हैं अरबिक मंदी और जो है यहाँ पर हम खाने आते हैं मंदी और बहुत ही अच्छी मंदी और बहुत अच्छा टेस्ट होता है यहाँ का। तो यहाँ का ये व्यू है झूले यहाँ पर। अच्छा झूले लाइन बड़ा अच्छा कहाँ है? ओके ओके ओके, ऑर्डर दे रहे हैं खाने का मंदिर वालों। बस हो जाएगी हाफ वाली मंगवाओ पहले, नहीं खा सकते हाफ वाली, कम पड़ेगी। तो लेटर उस दिन खाया था ना, यहाँ देखें आपको तोप में सब मिलेंगे बिल्कुल अरबिक स्टाइल में। ये देखें अरबिक स्टाइल में बिल्कुल। तो चले हम खाना खाते हैं और उसके बाद फिर आप लोगों से मिलते हैं थोड़ी देर बाद। हाँ जी फ्रेंड्स, तो हम यहाँ आए, बच्चे गए हैं प्ले लैंड में झूले उले झूलने के लिए, बच्चों के काम ही यही है। और बाकी यहाँ पर सब ये सेटअप हुआ है, सारे अरबिक बने हुए हैं और हम अक्सर जब भी यहाँ आए तो यहाँ सन्नाटा होता है, क्योंकि हम जो है वर्किंग डे में आते हैं, हम छुट्टी के दिनों में नहीं आते ताकि लोग हों, इसलिए हमें सन्नाटा ही मिलता है यहाँ पर। और ये बेचारे आए तो सही दिन के साइड में दर्द शुरू हो गया भाई, किडनी में बीमार बहुत होने लगे भाई नज़र लग जाती है, इनको नज़र लग जाती है। आप लोग भी आए और यहाँ पर इंजॉय करें मंदी, थिएटर बहुत ज़बरदस्त टेस्ट है, मज़ा है। खाना देखो कितनी सफाई से खाया है, ये हो गया है सब कुछ फिनिश और मैंने छोड़ दी है अपनी खाई हुई प्लेटें साफ करके जाते हैं। बहुत अच्छी बात है, चलो भैया हम ये हैं, सब हमारे इंतजार कर रहे हैं बाहर निकले, आप लोग भी हमारे इंतजार कर रहे हैं, हम जा रहे हैं। ये बिल्लियों ने हमारा बड़ा तंग करा हुआ है, ये देखें सारी बिल्लियाँ यहीं आ गई हैं मीरब के पास। मीरब आपको खाने आई है बिल्लियाँ? जी जी खाना है, चावल तो खाना आई है, चावल खाना है। हाँ जी फ्रेंड्स, तो फिर अब हम हॉस्पिटल पहुंच गए क्योंकि हस्बैंड के साइड में किडनी में बहुत ज्यादा पेन हो रहा था, उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, तो मैंने कहा भाई आप हॉस्पिटल चलो, आप इंजेक्शन लगवा लो क्योंकि टेस्ट के लिए डॉक्टर ने कल करवाएंगे वो टेस्ट। क्या कर रही हो मीरब, क्या कर रही हो? हॉस्पिटल गए हैं और जो है हम गाड़ी में वेट कर रहे हैं, जाना था हमें नंद के घर, अभी हम नहीं गए, हम कल जाएंगे वहाँ पर इंशाल्लाह, क्योंकि जो है ना लेट हो गए हम लोग घर से, जब लेट निकले तो लाजमी सी बात है 1:30 बज गए हमें और फिर हॉस्पिटल आ गए हम लोग अब, और जो है अब कल जाएंगे इंशाल्लाह वहाँ पर। और जो है अभी हस्बैंड आ जाए, पता नहीं अब देखें ड्रिप लगती है कि इंजेक्शन लगता है। हाशिर साथ गए हैं, मैं गाड़ी में बच्चों के साथ बैठी हुई क्योंकि बच्चे सारे एक साथ जब हॉस्पिटल चले गए तो हॉस्पिटल वाले बाहर आ जाएंगे इनको देखकर, क्योंकि इतना शोर करते हैं ये लोग। तो चलें फ्रेंड्स, फिर घर जाके मिलते हैं आप लोगों से, पूरी आवाम लेकर हॉस्पिटल से। ये देखें ड्रिप लगवा रहे हैं, बीमार हफ्सा खा कर आए हो ना, हफ्सा खाया है ना बचपन। ये देखिए जरा, हम लोग जा रहे थे खाना खाकर घर पर और हस्बैंड पहुंच गए हॉस्पिटल। देखें फ्रेंड्स, मेरे रूम में हम घर आए तो मेरे रूम में छिपकली आ गई थी, जो कि ये देखें ये सारा बेड सब सामान बाहर निकल गया है, बेड का गद्दा मैट्रेस पूरा कमरा धड़म बड़म, साइड टेबल भी बाहर आ गई है। एक छुपकली मारने के लिए जंगामत तंगामत हो गई हमारे कमरे में, और इन तीन आदमी से छुपकली नहीं मर रही एक, ये इतना मोटा जो है ना मोटा बैंस। अच्छा आपने दिया है मम्मा को? ये देखिए मैं यहाँ दूसरे वाले बच्चों के रूम में छुप के बैठ गई हूँ कि वो पागलों की तरह कहीं से ही बाहर निकल कर आ जाएगी अभी।
हाँ जी फ्रेंड्स, तो हम लोग आ गए थे हॉस्पिटल से घर पर। हस्बैंड को ड्रिप चढ़ी थी, छोटी वाली होती है जिससे पेन कम होता है, वो ड्रिप चढ़ी थी। उसके बाद जो है फिर हम घर आ गए थे। घर जब आए तो जैसे ही हमने रूम अपना मतलब अपने रूम में गए तो छिपकली, शुक्र है मैं नहीं गई थी, वरना मैं तो इतनी जोर से चीखती कि मैं बेहोश हो जाती शायद, मुझे बहुत डर लगता है। बाकी वो बच्चे गए थे, खैर फिर वो जो उन्होंने मारा है पूरा बेड वेड हर चीज़ हटा दी। इस चक्कर में मेरे बेड की जो नीचे की सफाई होती है ना, क्योंकि मेरा बेड बिल्कुल नीचे तक है तो वो फिर कचरा वचरा अंदर चल जाता है, उसके चक्कर में मेरे बेड की सफाई वफाई हो गई। उसके बाद मैंने घर की सारी सफाई वफाई की, उसके बाद फिर बच्चों को अब मैंने सुलाने के लिए लिटा दिया है। तो जो है बाकी के जहाँ हमें जाना था वहाँ हम कल जाएंगे, और जो है अभी इस व्लॉग को हम यहीं पर करते हैं। अच्छा, और दूसरी बात ये कि हमने मैंने कहा था कि जो ओपन किया था हमने व्हाट्सएप का नंबर आज 1 मार्च को, तो हमने थोड़ी देर बाद उसको बंद कर दिया, क्योंकि जो हमें नंबर जो हमें लोगों के नंबर चाहिए थे जिनको हमें राशन पहुँचाना था, हमने वो सेव कर लिया, क्योंकि इतने मैसेजेस आ रहे हैं, इतने मैसेज आपको पता है कितने मैसेजेस आते हैं तो डिस्टर्ब हो जाता है इंसान, परेशान हो जाता है कितने मैसेजेस पढ़े कितने छोड़े। तो इसलिए जितना हम पहले कर रहे हैं उतने हमने नंबर सेव कर लिए हैं, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट दोबारा से ओपन करेंगे, उसके बाद फिर हम जिनको देना होगा उनको देंगे। और राशन की ही बात हुई है, अदरवाइज़ ये नहीं कि आप हमारे अकाउंट में पैसे डलवा दें, आप हमारे लिए रिक्शा दिलवा दें, आप थोड़ी सी हमारी हेल्प कर दें, क्योंकि हमने राशन की बात की है तो राशन की ही बात करेंगे। और मैं ये चाहती हूँ कि मैं ज़्यादा, मेरे पास बहुत ज़्यादा तादाद में टिकटॉक पर मैसेजेस आ रहे हैं हद से ज़्यादा, तो जो मैं चाह रही हूँ कि कोई ऐसा हो जो हमारे साथ मिलकर हमारे साथ काम करे, मतलब हमारे तरह राशन के लिए जो मिलकर हमारे साथ काम कर सके, हो सके तो राशन ही हमारे डिस्ट्रीब्यूट करवा दें, हम आगे पहुँचा देंगे, क्योंकि मैसेजेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। 200 से अबव मतलब 400-600 लोगों के मैसेजेस आ चुके हैं मेरे पास राशन के लिए, और आपको पता है इतनी महंगाई का दौर है हद से ज़्यादा, तो भाई जितना हमसे भी हम भी अफोर्ड कर सकेंगे उतना इंशाल्लाह हम भी करेंगे। और बाकी अगर कोई हमारे साथ मिल के काम करना चाहता है तो आप भी सवाब कमाएँ और हम भी सवाब कमाते हैं, क्योंकि रमज़ान का महीना बबरकत, मैंने जितना हम नेकी करेंगे जितना हम अच्छे काम करेंगे उतना हमारे लिए ही अच्छा है, तो कतरा कतरा करके समंदर बनता है। तो अगर आप लोगों को हमारे साथ मिलकर काम करना हो तो आप हमारे साथ मिलकर काम कर सकते हैं। अब हमें आप चाहते हैं कि देखें थोड़ा थोड़ा करके ये सब जमा करेंगे ना तो बहुत से लोगों की मदद हो सकती है, हम भी कोशिश ही करेंगे, आप भी मिलकर हमारे साथ कोशिश करें, जो साहिब हैसियत हैं जो कर सकते हैं, जो अच्छा खाते हैं अच्छा घूमते हैं अच्छा फिरते हैं, थोड़ा सा उन लोगों के लिए भी बचा लें जो इस चीज़ के हकदार हैं, जो इन को ज़रूरत है इन सब चीज़ों की, तो उनके लिए थोड़ा सा आप, क्योंकि मेरे पास इतने मैसेज आ रहे हैं, बेवा हैं, बच्चे छोटे हैं और जॉबलेस हैं और काम नहीं है, खर्चे नहीं पूरे होते हैं, अफोर्ड नहीं होते, या तो जॉब ही नहीं है किसी के पास, तो हर किसी का मुश्किल है। तो भाई मैं चाह रही हूँ मेरे साथ मिलके कोई काम करे तो हम सब मिलके साथ अच्छे काम करेंगे और दुआएँ सबकी लेंगे इंशाल्लाह। तो मिलते हैं फिर कल के व्लॉग में, और मैं बहुत जल्दी लाइव आऊँगी ताकि जो है ना मैं आप लोगों के साथ लाइव में बातें कर सकूँ, और मैं टिकटॉक पर भी बता दूँगी कि मैं लाइव आ रही हूँ यूट्यूब पर, ताकि जो है जितने लोगों के मसले हैं वो हम सुन सकें, उनको हम अपने मसले बता सकें और उनके सुन सकें। और जो आप लोग दुआ कीजिएगा, हस्बैंड की जो किडनी में अचानक से पेन होने किया था ना, तो ये बहुत टेंशन हो गई थी, डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड लिख दिया है, अब इंशाल्लाह कल अल्ट्रासाउंड करवाएंगे, बाकी सब अल्लाह पाक सेहत खैरियत के हो, क्योंकि जो है हमारे घर के वाहिद जो एक सहारा है ना, वो माशाल्लाह से वो हमारे हस्बैंड हैं जो हम सबको लेकर चलते हैं, सास बच्चे घर और बहुत सारे मसले जो वो लेकर चलते हैं, तो अल्लाह पाक उनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, हिम्मत दे, और जो है हर परेशानी हर बीमारी से दूर रखे, आमीन सुमा आमीन। और वो बस आप लोग दुआओं में याद रखिएगा, और जो है हमारी साथ यूँ ही बरकरार रहिएगा, यूँ ही जुड़े रहिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।